वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। अभी हमने आपकी मुलाकात करवा दी डिजाइनर से, ब्यूटिशियन से, आपको बता दिया कि आप आने वाले शादी सीजन में किस तरह से तैयार हो सकते हैं, मेकअप किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको गाइड कर दी। अभी हम जरा आपकी सेहत रिलेटेड, सेहत से जो जुड़े मसाइल हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले ब्रेन हेमरेज के हवाले से, इसकी वजूहात क्या है, होता क्या है, किस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, खुदा ना ख्वास्ता। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सना तारिक, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है, उनसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर सना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अरमला, मैं ठीक हूँ, आप? मैं भी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सना, सबसे पहले तो हम ब्रेन हेमरेज की बात करें, ये होता क्या है और वजूहात क्या है? अरमला, एक्चुअली ब्रेन हेमरेज जो है ये दिमाग के अंदर कुछ हमारी खून की शरियानियाँ होती हैं, नालियाँ होती हैं, उनमें फटने की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से खून जो होता है वो दिमाग के कुछ हिस्सों में जम जाता है, जिसकी वजह से दिमाग जो है वो अपना फंक्शन या अपना काम करना छोड़ जाता है। इस कंडीशन को ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी वजूहात की बात करें तो बेसिकली होती क्या है? देखिए, एक तो ये सबसे पहले है ओल्ड एज पेशेंट्स, मतलब बड़ी उम्र के जो पेशेंट्स हैं 40-50 साल से ऊपर, उनमें होता है। दूसरा, ऐसे लोग जिनकी ब्लड प्रेशर डायग्नोज ही नहीं होता, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमें पता ही नहीं कि हमें ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के साथ इसका डायरेक्ट एसोसिएशन है, जिन लोगों को अनडायग्नोज या पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर है उनमें ये बहुत कॉमन है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग की शरियानें जो होती हैं उनमें प्रेशर बढ़ जाता है, वो फट जाती हैं, उनमें से खून लीक होता है जो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में जम जाता है। तो सबसे बड़ी इसकी जो वजह है वो ब्लड प्रेशर ही है। अच्छा, सिम्टम्स की बात की जाए, कुछ आप जैसे कह रहे हो डायग्नोज नहीं होता ब्लड प्रेशर, लेकिन दीगर सिम्टम्स भी होंगे जो ज़्यादा आयाँ होते हैं, नुमाया होते हैं, जिसकी वजह से आपको खुदा न खास्ता अगर आइडिया हो जाएगा अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजार हो। बिल्कुल, ब्रेन हेमरेज में अक्सर औकात ये देखा गया है कि जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है उसकी वजह से सर में दर्द होती है। पेशेंट जब भी आपके पास आता है कोई ब्रेन हेमरेज के साथ, उसकी सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा सिम्टम जो होता है वो उसको किसी साइड की कमज़ोरी हो जाती है। यकदम मरीज सुबह उठेगा और देखेगा कि उसका बाजू एक साइड का काम नहीं कर रहा, उसकी टांग काम नहीं कर रही, उसका चेहरा जो है वो सुन्न हो गया, बोलने में उसको शदीद दुश्वारी का सामना है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये ब्रेन हेमरेज के होते हैं। और एक सिम्टम जो उनमें से, और अगर बहुत ज़्यादा खून जम गया है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ब्लड का जो ब्रेन में जमा हुआ है, तो उसकी वजह से अक्सर ये होता है कि पेशेंट जो होते हैं वो उठ के जाते हैं वॉशरूम में, गिरते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और नीम गनूदगी और बेहोशी की हालत में उनको अस्पताल ले जाया जाता है। जब वो लाते हैं तो तब पता चलता है कि एक तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, दूसरा उनका मजीद उसको जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ब्रेन हेमरेज डायग्नोज होता है। लेकिन जिस्म की कमज़ोरी, सर में दर्द, पट्टों का खिंचाव, चेहरे की कमज़ोरी, जुबान का अड़ना या अल्फाज को परफॉर्म ना करना, ये सब ब्रेन हेमरेज की सिम्टम्स हैं। अच्छा, एज फैक्टर की भी बात करें, एज कोई स्पेसिफिक होती है जिसमें इसके सिम्टम्स या ऐसी चीज़ें ज़्यादा चांसेस या रिस्क बढ़ जाता है? 40 एंड अबव, और स्पेशली हमारी पॉपुलेशन जिसमें हम लोग बहुत चिकनाई वाले खाने खाते हैं, हम लोग बिल्कुल परहेज़ किसी किस्म का नहीं करते हैं, हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर ओवर रिएक्ट करते हैं, टाइप ए पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ये सब जो हैं ये प्रोन हो जाते हैं ब्रेन हेमरेज को। लेकिन ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है, अगर ब्रेन, अगर उसका हेमरेज का साइज़ बहुत ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, हम ब्रेन हेमरेज के अगर इलाज की बात करें, खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई ऐसा इशू हो गया है, और क्योर, उसका ट्रीटमेंट और उसकी क्या नाम है, रिकवरी के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल, अब ये सिचुएशन देखें, जब पेशेंट अस्पताल में आपके पास पहुंच जाता है तो हम पेशेंट का, और हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि हम जिस सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये ब्रेन हेमरेज है, तो हम पेशेंट का सीटी स्कैन करवाते हैं दिमाग का। सीटी स्कैन सिंपल इन्वेस्टिगेशन होती है जो इस तरह ही है जैसे आप एक्सरे करवा लें। सीटी स्कैन पर अगर पता लग जाता है कि ये ब्रेन हेमरेज है तो हम दो चीज़ों को देखते हैं। एक हम ये देखते हैं कि पेशेंट जो है वो उसको वो कोमा में तो नहीं जा रहा, और दूसरा ये है उसको कमज़ोरी किस साइड की है, और दूसरा हम सीटी स्कैन के ऊपर देखते हैं कि उसका साइज़ या वॉल्यूम कितना है, कितना हिस्सा दिमाग का उस हेमरेज की वजह से इफेक्ट हुआ है। अगर तो हमें ये लगे कि साइज़ उसका बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको ऑपरेशन की तरफ ही जाते हैं और ऑपरेट ही करवा लेना चाहिए, क्योंकि, और अगर उसका वॉल्यूम कम है तो फिर हम दवाइयों से इलाज करते हैं। लेकिन सर्जरी ऑब्वियसली एज ए न्यूरोसर्जन मैं तो सर्जिकल उसकी तरफ ज़्यादा जाती हूँ, इसलिए कि पेशेंट की लाइफ सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है, मरीज़ की ज़िंदगी, उसके रिश्तेदार, उसके बच्चे,
उन आपकी कोई डिसीजन उनके ऊपर पूरा इफेक्ट कर सकता है. इसलिए अगर आपका डायग्नोज हो गया है कि ये ब्रेन हेमरेज है, इसका वॉल्यूम ऑपरेटिव है और ऑपरेशन का मरीज को फ़ायदा होगा, तो फिर आपको ऑपरेशन कर देना चाहिए. ठीक हो गया, हम सर्जरी की बात करते हैं. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसको लेकर, कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी, कुछ बुरी बातें भी, वो हम चाहेंगे आप क्लियर करें. देखिए, सर्जरी जो होती है, सर्जरी इज़ अ लाइफ सेविंग. मतलब आपने किसी की ज़िंदगी बचानी है तो आप उसको ऑपरेशन कर देंगे. एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी से ऑलरेडी जंग हार है, उसको डॉक्टर जो है वो एक चांस देता ज़रूर है. एज ए न्यूरोसर्जन हमें यही ट्रेन किया जाता है कि आपने सबसे पहले पेशेंट की लाइफ ही सेव करनी है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर परफॉर्म करना है. एनीवे, सर्जरी की अपनी कुछ इंडिकेशंस होती हैं या उसके अपनी कुछ अलामत हैं. हम पेशेंट को देखते हैं कि क्या वो इस काबिल है कि उसका ऑपरेशन हो सके. उसका मतलब होश इतनी इजाज़त देता है कि वो एनेस्थीजिया टॉलरेट कर ले, बेहोशी वगैरह जो है वो उसको दी जा सके, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, और ये कि उसका साइज़ इतना है ब्रेन हेमरेज का कि उसको निकाल दिया जाए. अगर ऑपरेट ना किया जाए तो दिमाग का वो हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. और अगर वो हिस्सा ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए मरीज को मजदूरी का सामना करना पड़ता है. इसलिए ऑपरेशन का अपना फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन जाहिर है दिमाग का ऑपरेशन होता है, लोग डरते हैं इससे. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, मतलब इट इज़ अ बिग डील. डॉक्टर पर भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल होती है इस, लेकिन हम फैमिली को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं. अक्सर लोग मान जाते हैं, अक्सर लोग इनकार कर देते हैं. लेकिन ऑपरेशन से हमेशा मरीज को फ़ायदा होता है. तो अगर ब्रेन हेमरेज किसी के रिश्तेदार को होता है, उसको किसी टाइप की कमजोरी है, उसका कॉन्शियस लेवल या उसकी जो होश है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, तो एज अ डॉक्टर मैं तो हमेशा सबको ये मशवरा देती हूँ कि आप इसको ऑपरेट करवा के उसकी ज़िंदगी का चांस ले लें. अच्छा डॉक्टर सर, मेडिकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है तमाम सिनेरियो में? क्योंकि अगर आप मेडिकेशन पर हैं और आप सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाह रहे, अक्सर जिससे आप बता रही हैं कि पेशेंट्स अवॉइड करते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, तो मेडिकेशन किस तरह की होती है? मेडिकेशन जो होती है वो यही होता है कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल, क्योंकि लोग आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं उनका यही होता है कि इतना ज़्यादा बीपी शूट अप कर गया होता है क्योंकि दिमाग की शरियाने फट जाती हैं. सबसे पहले मरीज़ आता है उसको हमने उसका बीपी ही कंट्रोल करना होता है. पहली मेडिकेशन है वो यही है. उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे दिमाग का प्रेशर कम होता है. जब दिमाग का प्रेशर कम होता है, दिमाग थोड़ा रिलैक्स कर जाता है, तो फिर आप फर्दर प्रोसीड करते हैं कि आपने क्या करना है. लेकिन दवाइयों में यही होता है कि एक तरफ बीपी कंट्रोल और दूसरी तरफ आपने ऐसी दवाइयाँ जो दिमाग के प्रेशर को कम करें. अच्छा डॉक्टर सर, ना कुछ रेमेडीज या कुछ ऐसी चीज़ें जो रिस्क कम करने के लिए ब्रेन हेमरेज का? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन फैमिलीज में रन करती है, उस पर किसी का भी इख्तियार नहीं है. लेकिन ऑफकोर्स हम अगर अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, हम डाइट अच्छी लें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इसको ऑब्वियसली प्रिवेंट किया जा सकता है. मल्टी विटामिंस लें आप, और यह है टाइम पर अपनी नींद पूरी करें. अच्छा, जो आजकल डॉक्टर साहब ना डिप्रेशन, एंजाइटी, सारी चीज़ें भी हैं, ये भी एक फैक्टर है? ये फैक्टर नहीं है, बट ऑफकोर्स ये इसको ट्रिगर करता है. हाइपरटेंशन की तरफ आपको लेके जाते हैं, और हाइपरटेंशन आगे से आपको ब्रेन हेमरेज की तरफ लेके जाती है. सही. सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, और अगर आपको ज़रा सा भी शक हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रही है, आपकी गर्दन में दर्द हो रही है, आपकी आंखों पे दबाव है, किसी किस्म का भी आपको शक लग रहा है, आपके फादर को, आपकी मदर को, आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन रन करी, प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाएं, जाके अपनी डायग्नोसिस करवाएं कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, और इसकी अर्ली ट्रीटमेंट हो और अर्ली मेडिकेशन स्टार्ट हो. ठीक हो गया डॉक्टर साहब, कोई मैसेज जो आज के टॉपिक के हवाले से हमारे देखने वाले? जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ब्रेन हेमरेज एक जानलेवा कंडीशन है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है. हमारे ही बड़े होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो इससे सफ़र करते हैं, बट अगर हम अपनी लाइफ को एक बेटर पैटर्न पे लेके चलें, हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, इससे प्रिवेंट किया जा सकता है. और प्लीज़, अगर आपके किसी रिश्तेदार को, किसी रिलेटिव को ब्रेन हेमरेज डायग्नोज होती है, आप लोग इमरजेंसी में जाते हैं, अगर डॉक्टर आपको कहते हैं कि इसको ऑपरेट करवाएं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें. ऑपरेट करवाएंगे तो पेशेंट की लाइफ सेव की जा सकती है, लेकिन अगर उसको वही छोड़ देंगे तो आपका रिश्तेदार या आपका रिलेटिव जिंदगी भर की मजदूरी का भी सामना कर सकता है. बिल्कुल ऐसा ही है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सना, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना डिटेल हमें गाइड कर दिया. जनाब, नो डाउट एक जानलेवा चीज़ है, लेकिन इसको जितनी जल्दी क्योर किया जाए उतना ही बेहतर. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे शो पर टैलेंट भी हमें ज्वाइन करेगा. आप देखते रहिए जागो लाहौर.